सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि आप कोई भी सॉन्ग का बीच में से क्लिप काट करके आप उसे रिंगटोन में कैसे बदल सकते हैं, और साथ ही आप उसे कॉन्टैक्ट में कैसे सेव कर सकते हैं ताकि अगर आपका कोई भी कॉल आए तो आपका जो रिंगटोन वही वाला बजे जो कि आपने लगाया है, और उसे आप कैसे लगा सकते हैं, यह भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना, प्ले स्टोर खोल लेना। खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च करना MP3 कटर। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर आपको इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। तो ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, MP3 कटर, ऑडियो मर्जर, ऑडियो मिक्सर, कॉन्टैक्ट्स, आउटपुट फोल्डर, म्यूजिक। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MP3 कटर के बारे में, यानी कि कोई भी सॉन्ग का आप कट करके उससे रिंगटोन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको MP3 कटर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग दिखाई देंगे जो कि आपके फ़ोन में होंगे, तो आपको जिस भी सॉन्ग में से रिंगटोन कट करना है आपको वह सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक साइड में 00 और दूसरे साइड में 4.58.4, यानी कि चार लगभग 5 मिनट का ये गाना है। तो फ्रेंड्स इसी 5 मिनट के गाने के बीच में से मुझे जो है, या फिर यानी कि हम लोगों को जो है 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड, जितना भी सेकंड का आपको रिंगटोन चाहिए इसी 5 मिनट के गाने में से कैसे आपको कट करके निकालना है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप जो वीडियो के लास्ट तक बन लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है मिस हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना, कुछ नहीं, आपको दोनों साइड एक ब्लू दिख रहा होगा लकीर, आपको दोनों साइड से ला करके आपको सॉन्ग यहाँ पर बीच में प्ले करने का ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ से प्ले करके भी चेक कर सकते हैं, मैं प्ले नहीं करूँगा नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। यहाँ पर मैंने रिंगटोन सेलेक्ट कर लिया जो कि 23 सेकंड से स्टार्ट होगा और 1.18 सेकंड तक चलेगा, तो आपको इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 42.5 यानी कि 42 सेकंड का लगभग मैंने रिंगटोन सेलेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स आपको ऊपर टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। मैं देखिए जैसे कि चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कन्वर्ट पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है रिंगटोन बन के तैयार हो जाएगा। रिंगटोन रेडी हो जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से प्ले करके भी देख सकते हो। और फ्रेंड्स अब बारी आती है कि आपको ये रिंगटोन लगाना कैसे। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर सिंपली दिख रहा होगा रिंगटोन, अलार्म, नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट और शेयर। तो फ्रेंड्स रिंगटोन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है रिंगटोन लग जाएगा, अगर अलार्म पर क्लिक करेंगे तो आपका अलार्म में लग जाएगा, अगर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आपका जो नोटिफिकेशन आता है मैसेज, तो अगर मैसेज आएगा तो उसमें बजने लगेगा। अगर आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके आप जो स्पेशल आदमी के कॉन्टैक्ट में लगा सकते हैं, यानी कि आपका अगर वही व्यक्ति फ़ोन करे तो ये रिंगटोन बजेगा, अलावा नहीं बजेगा। अगर आपको कोई और व्यक्ति फ़ोन करेगा तो दूसरा रिंगटोन बजेगा। और आप इसे चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सअप, यूट्यूब, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल को ऑल पर सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा नया वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके।